कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए। इतना मुश्किल था, गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 MLA पहली बार में, और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े। और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी सरकार नहीं बनी? आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए। लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी बनेगी। सो मुझे जब ये प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। इनकी मैं सोच रहा था जब जब बोल रहे थे, इनकी इन्हीं बातों से कायल होके हम अपने प्रोफेशन छोड़कर यहां आए। जब ये रामलीला ग्राउंड में बोलते थे, जब हर रोज एक पीसी होती थी, तब आंखें बोलती थी, दिल बोलता था, इन्हीं बातों से कायल होके हम सब लोग अपने अपने प्रोफेशंस को भी छोड़ के आए हैं। कईयों ने नुकसान भी कराया, पर्चे हुए, जेल में भी साथी हमारे बैठे हैं। तो इसीलिए आए हैं कि देश के लिए कुछ करना है, वरना पैसे कमा के दुनिया बहुत बड़े बड़े बैंक खाते छोड़कर लोग चले जाते हैं, साथ कुछ नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया याद रहता है। मेरा एक छोटा सा शेयर है, मैं भगत सिंह को देखकर जब मैं निकलता हूँ कभी भी, तो भगत सिंह जी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैचू भी आ जाता है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। 90-90 साल के बुजुर्ग आपके पड़ोस में, आपके गांव में बिस्तर पर पड़े होंगे, डेथ बेड पर पड़े हैं, मौत को उड़ीक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। करतार सिंह मर गया जो जिंदा है, अच्छा अभी मरा नहीं, मतलब मौत को भी कई लोगों को ढूंढना पड़ता है कहाँ रहता है। और उधर 23 साल की उम्र में फांसी का रस्सा चूमा, हमारी क्या आने वाली 100 पीढ़ियां भी भगत सिंह जिंदाबाद करती रहे। तो 90 साल और 23 साल, 4 गुना कम हो गए ना। तो सालों से नहीं बड़ा होता, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। तो जिस किस्म के ख्याल आम आदमी पार्टी ने लोगों को दिए, बेमिसाल। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।